नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रांजल दोहरा ने कमेंट किया है कि सर, कोरल ड्रॉ में आसामिया टेक्स्ट कैसे लिखें। तो सबसे पहले प्रांजल दोहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कोरल ड्रॉ में आसामिया टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मेरा कोरल ड्रॉ, मैं कोरल ड्रॉ X3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आसामिया टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखिए, आसामिया लिखा है, प्लस दो वर्ड भी लिखा हुआ है, गीत भुवन लिखा हुआ है। आसामिया टेक्स्ट जो है कुछ कुछ बंगला उसके जो लेटर्स है उससे मिलता जुलता है। मुझे उतनी अच्छी तरह आसामिया नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने आसामिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी कोरल ड्रॉ के अंदर, तो मैं एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ जिससे आसामिया टेक्स्ट और अदर्स लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है LibreOffice 2000। इसके द्वारा मैं आसामिया टेक्स्ट लिखता हूँ और इसे कैसे ले आते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, ये मैं आपको बताऊँगा। तो LibreOffice जो है, यहाँ पे LibreOffice 2000, यहाँ पे देखिए मेनू बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाइएगा, उसके बाद लैंग्वेज में, उसके बाद यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आसामिया दिया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर देखिए आसामिया का, यहाँ पर देखिए वो सारे लेटर्स आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो शिफ्ट दबाइएगा तो बाकी अक्षर भी यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे सैम्पल वर्ड भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद और भी कुछ वर्ड्स या अक्षर लिखना है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट दबा के जो भी रहता है ए ओ, जो भी लिखना है आपको यहाँ पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। अक्षर सब दिया हुआ है, क है, बॉ है, देखिए बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे, दो है, गो है, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मान लेते हैं कोई वर्ड आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से आप देख के सीख भी सकते हैं। जैसे ये कैसे लिखा गया है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कैसे लिखना है, यहाँ पर आप एक एक वर्ड को आप क्लिक करके, जैसे दिन लिखा है, दिन को सिलेक्ट करके, यहाँ पर द है, फिर न में हर्षे ही है, तो मात्रा भी सब दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे। शिफ्ट दबाएंगे तो बाकी अक्षर जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो शिफ्ट दबाने के बाद बाकी अक्षर भी यहाँ पे शो करने लगता है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करते जाइएगा, देखिए बाकी अक्षर यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद अब इस जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सा, तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके यहाँ से आप एडिट से जाके इसे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है वो ASTT दुर्गा, आसामिया टेक्स्ट लिखने के लिए ये जो फॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर जो सपोर्ट करता है वो ASTT दुर्गा है। तो ये टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको अपने कोरल ड्रॉ में जाना होगा। ये देखिए मेरा कोरल ड्रॉ X3 खुला हुआ है। तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल है, इस पर क्लिक कीजिए और अपने कोरल ड्रॉ के पेज में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ वहाँ कर्सर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एडिट में जाइए, उसके बाद इसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इम्पोर्टिंग पेस्टिंग टेक्स्ट, यू आर इम्पोर्टिंग और पेस्टिंग टेक्स्ट विच कॉन्टेन फॉर्मेटिंग। तो ये वाला जो रेडियो बटन है इसको एक्टिवेट रखिए, मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग इसको ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैं यहाँ से 24 है, 36 कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए आसामिया लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, जो अक्षर यहाँ पे दिख रहा है आपको सेम टू सेम, ये देखिए यहाँ पे LibreOffice में सेम टू सेम वही अक्षर यहाँ पे भी दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है LibreOffice 2000 के अंदर। तो इस तरह आप कॉपी करके टेक्स्ट ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि LibreOffice का एक ख़ास बात यह है कि अगर आपको नहीं भी टाइपिंग आता है तो आप इसे देख देख के करके यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर सारे अक्षर, सारे यहाँ पर जो नंबर्स है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ये
आप यहाँ से सिर्फ यहाँ से क्लिक करते जाइए और यहाँ पे टाइप होता जाएगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ से कॉपी करके, सिंपल है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से लीप ऑफिस से कॉपी कीजिए और इसे कोरल ड्रॉ के अंदर सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कर्सर आ जाएगा। उसके बाद इसे सिंपल यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ये ऑप्शन आएगा मेंटेन फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे वो अक्षर जो भी आपने कॉपी किया है यहाँ पे देखिए वो आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जो लीप ऑफिस 2000 है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसका डाउनलोड लिंक आप कृपया ना मांगें क्योंकि इसे ख़रीदना पड़ता है और इसका इस्तेमाल तभी आप कर सकते हैं इसे ख़रीद के, क्योंकि इसका लिंक आपको मिलेगा नहीं, ये पेड सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह आप आसामियाँ लिख सकते हैं, आप लिख के आप इसे कोरल ड्रॉ में ले जा सकते हैं। तो आई होप प्रांजल दोहरा जी आपको समझ में आया होगा कि कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोग कैसे आसामियाँ टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये सिंपल तरीका मैंने बताया। और भी कुछ जानना चाहते हैं कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।